हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी हमें 0.2 को मल्टीप्लाई करके दिखाना है 6 के साथ। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये डेसिमल यहां से हटेगा तो क्या बचेगा, 2। और ये जो लेफ्ट में ये 0 है, इसको यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 के लेफ्ट में अगर आप 0 लगा भी देते हैं तो उसका मतलब 2 ही रहता है। तो यहां से जब हमने डेसिमल हटाया तो यहां से बचा 2 और अपॉन में आएगा 10। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप राइट से चेक करें कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है, मल्टीप्लाई बाय 6 यहां पर एज इट इज आ गया है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहां न्यूमरेटर में 2 है और यहां पर 6 है, तो 2 इंटू 6 12 होता है, तो यहां पर न्यूमरेटर में 12 आ गया है, यहां डिनोमिनेटर में 10 है, यहां 6 के नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब 1 है। तो 10 इंटू 1 10 होता है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 10 आ गया है। तो अब हमें मिल गया है 12/10। अब हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो हम इस जीरो को रिमूव कर देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 12, यहां कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, इसका मतलब डेसिमल यहां पर लास्ट में होगा। तो जब हम डिनोमिनेटर में से एक जीरो हटाते हैं तो ये जो डेसिमल यहां पर है ये एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी ये जो डेसिमल यहां पर है ये 1 और 2 के बीच में यहां पर आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या आंसर मिल गया है, 1.2। तो जब हमने 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला है 1.2। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6, हमें 8 को मल्टीप्लाई करना है 4.6 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 8 तो एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आएगा, और यहां से हम इस डेसिमल को हटा देंगे। तो जब ये डेसिमल हटा देंगे तो हमें मिलेगा 46 और अपॉन में आएगा 10। देखिए यहां पर राइट से अगर आप चेक करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप वो डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में 8 है, यहां न्यूमरेटर में 46 है। जब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से तो आपको मिलेगा 368। तो यहां न्यूमरेटर में आ गया 368। देखिए यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, 1 इंटू 10 10 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 10 आ गया। तो अब हमें मिल गया है 368 अपॉन 10। अब हम इस 368 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस जीरो को यहां से रिमूव कर देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। तो न्यूमरेटर में है 368, और जब कहीं डेसिमल ना दिखे तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है। तो जब आप डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाते हैं तो ये जो डेसिमल यहां पर है ये एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 6 और 8 के बीच में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हमें आंसर क्या मिला, 36.8, क्योंकि जो डेसिमल यहां लास्ट में था वो एक डिजिट लेफ्ट की तरफ आ गया। तो जब हमने 8 को मल्टीप्लाई किया 4.6 से तो हमें आंसर मिल गया है 36.8। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सबसे पहले हम इस डेसिमल को यहां से हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 271 और अपॉन में आ जाएगा 100। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप राइट से चेक करें तो यहां पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो जब 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप वो डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, मल्टीप्लाई बाय 5 यहां पर एज इट इज आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहां न्यूमरेटर में 271 है, यहां न्यूमरेटर में 5 है। जब आप 271 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 1355। तो यहां न्यूमरेटर में हमने लिखा 1355, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, 100 इंटू 100 होता है, तो यहां पर 100 आ गया डिनोमिनेटर में। अब हमें मिल गया है 1355 अपॉन 100।
अब हम 1355 को डिवाइड करेंगे 100 से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो जीरो हैं, हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में है 1355, तो यहाँ कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा। तो जब कहीं डेसिमल ना दिखे तो डेसिमल कहाँ होता है, यहाँ लास्ट में। तो जब आप डिनोमिनेटर से दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 1355 यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा और ये डेसिमल जो यहाँ पर था ये दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ गया, तो हमें आंसर मिल गया है 13.55। तो जब हमने 2.71 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमें आंसर मिला 13.55। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4। हमें 20.1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो सबसे पहले हमने इसके सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सबसे पहले हम इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे स्टूडेंट्स। तो जब ये डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो हमें मिलेगा 201 और अपॉन में आएगा 10। देखिए यहाँ अगर आप राइट से चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप वो डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब यहां पर न्यूमरेटर में है 201 और यहां पर है 4, तो 201 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 804। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 10 है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, 10 × 1 10 होता है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 10 आ गया, तो हमें मिल गया है 804 अपॉन 10। अब हम 804 को डिवाइड करेंगे 10 से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में है 804 और जब कहीं डेसिमल ना दिखे तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब आप ये डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल जो यहाँ लास्ट में है ये यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो 804 को हमने यहाँ एज इट इज रखा और ये जो डेसिमल लास्ट में यहाँ पर था ये एक डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें फाइनली आंसर मिल गया है 80.4। तो जब हमने 20.1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमें आंसर मिला 80.4। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।